जहानाबाद स्थित राजकीय मिडिल स्कूल ऊंटा में संपन्न हुई किसान विकास संघ की बैठक। राजनीतिक दल और जातीय भावना से हटकर संघ का किया गया है गठन। सरकार के रवैये से क्षुब्ध किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए किसान संघ ने लिया निर्णय। 11 मार्च से बेमियादी धरना देंगे जहानाबाद जिले के सभी रसोईया कर्मचारी। समानालय के समक्ष बैठक कर रसोईया कर्मचारी संघ गोप गुट ने लिया निर्णय। 10 मांगों को पूरा करने के लिए संघ के सदस्य करेंगे आंदोलन। नौरू गांव के समीप संचालित मां कमला चंद्रिका जी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित किया गया इग्नू बीएड प्रथम वर्ष परामर्श कक्षा कार्यक्रम। सत्र 2012-14 की पढ़ाई की शुरुआत के मौके पर आयोजित समारोह का सचिव संजय कुमार ने किया उद्घाटन। राज्य के विभिन्न जिले से आए नामांकित छात्र छात्राएं समारोह में हुए शामिल। मखदुमपुर के सुगांव में कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। जहानाबाद और मखदुमपुर की टीम के बीच खेला गया फाइनल मैच। किसान बेहाल हैं, नौकरशाह मालामाल हैं। किसानों को घटिया किस्म का बीज, कीटनाशक दवाइयां तो कभी खाद की कमी बताकर ऊंची कीमत पर खरीदने को मजबूर किया जाता है। ये सारी बातें हुई जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित राजकीय मिडिल स्कूल ऊंटा में, जहां किसान विकास संघ की बैठक चल रही थी। इस बैठक में जिले के विभिन्न गाँव से किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों ने सरकार के रवैये की निंदा की और कहा कि किसानों की सभी समस्याएं जानकर भी सरकार चुप्पी साधे रहती है। किसानों की स्थिति ऐसी है कि अपनी उपज का उचित मूल्य का निर्धारण भी नहीं करते, लेकिन जरूरत की सभी चीजें महंगी मिलती है। किसानों को राजनीतिक दलों के नेताओं पर भी अब भरोसा नहीं रहा। तभी तो किसान विकास संघ का गठन कर इसे क्रियाशील बनाने के लिए जिले के सभी किसानों से अपील की गई है। यह संघ राजनीतिक पार्टियों और जातियों से अलग रहेगा। इस बैठक में संघ के पदाधिकारियों का भी चयन किया जाएगा। किसान विकास संघ का उद्देश्य है कि किसानों को बिजली और सिंचाई की व्यवस्था कराने, फसल बीमा लागू करने, 2 एकड़ तक लगान माफ करने, हमीद नगर बराज से पानी को जहानाबाद जिले के हरेक कोने में पहुंचाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। किसान बिहार में जो किसानों का जो माली हालत है उसके सवाल में चिंतन में बैठे हैं कि किसान का समस्या किस तरह हल हो और उसकी समस्या हल करके उसमें प्रकाश आए, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग शुरुआत किए हैं और इस संगठन को मजबूत कर हमारे पूरे जिला में संगठन इसका कायम हो गया है और जिला स्तर पर आज हम संगठन का अध्यक्ष सचिव का चुनाव कर लेंगे और उसके बाद प्रखंड स्तर से लेकर गांव स्तर तक इसका विकास हम करेंगे। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया कर्मचारी संघ गोपगुड़ जिला शाखा जहानाबाद के सभी महिला और पुरुष सदस्य अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी 10 मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये रसोईया अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं, बल्कि पूरी ड्यूटी करने के बावजूद भी इन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। जहानाबाद में एक बार फिर से रसोईया कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी की है। इसी आलोक में समानालय के समक्ष रसोईया कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए जिले के सभी रसोईया 11 मार्च को मिड डे मील पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और उसी समय से मांगे पूरी होने तक बेमियादी धरना दिया जाएगा। रसोईया कर्मचारियों ने मांग की है कि खाते के माध्यम से समय पर मानदेय का भुगतान किया जाए, रसोईया कृष्ण बल्लभ यादव को हटाने का आदेश रद्द करने, रसोईया का नाम जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और बीपीएल में दर्ज करने, रसोईया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य 10 मांगे पूरा करने के लिए 11 मार्च से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हम लोग के बैठक का मकसद यही है कि बहुत लंबे समय से हम लोग बैठक धरना कर रहे हैं, हम लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है, तो हम लोग का कहना यही है कि इतना लंबे समय से और इतना कम पैसा में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग की सरकार सुनने वाली बात नहीं है, तो ना अकाउंट चालू कर रहा है और ना तो हम लोग के मनमानी तरीके से जो हटाया जा रहा है वो हो रहा है, रोक लग रहा है। तो इसके चलते हम लोग 11 मार्च 2013 को MDM प्रभारी के पास अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। जहानाबाद के नौरू गांव में संचालित मां कमला चंद्रिका जी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू
बीएड प्रथम वर्ष परामर्श कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत समारोह आयोजित कर की गई। इस स्टडी सेंटर में राज्य के विभिन्न जिलों से आए बीएड के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस जिले में इग्नू का यह एकमात्र संस्थान है जहां सत्र 2012-14 की पढ़ाई का उद्घाटन किया गया। संस्थान के सचिव संजय कुमार ने इस मौके पर उपस्थित बीएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को उनके उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य की कामना की। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। इग्नू सत्र 12-14 का विधिवत उद्घाटन समारोह है, जिसमें पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षक कर्मी छात्र छात्राएं बन के आज यहाँ बीएड का पढ़ाई कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जहानाबाद जिला में एकमात्र इग्नू का स्टडी सेंटर है, जहाँ दूरस्थ शिक्षा के रूप में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक कर्मी कहीं भी किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में टीचर हो वो यहाँ से बीएड की डिग्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत सुगांव के मैदान में करीब एक महीने से कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जिसका समापन हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया मखदुमपुर और जहानाबाद की टीम के बीच। इस फाइनल मैच को देखने के लिए आसपास के गांव से काफी संख्या में लोग जुटे थे और तालियां बजाकर बल्लेबाजों और गेंदबाजों का उत्साह बढ़ा रहे थे। समापन के मौके पर जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वास यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इन दोनों अतिथियों ने कहा कि इस जिले के गांव में भी कई प्रतिभावान खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें उपयुक्त मौका देने की जरूरत है, ताकि वो प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का नाम रोशन कर सके। साथ ही युवाओं को नशा से दूर रहने की भी नसीहत दी गई। चंदन मिश्रा आजकल के लिए। क्रिकेट प्रेमियों को ये बताना चाहूँगा, चूँकि क्रिकेट प्रेमी तो यहाँ पे हर कोई है और क्रिकेट खेलने की कोई उम्र तो है नहीं, मैं सबको सलाह देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, खूब अच्छा खेलें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, और ये जोश और जज्बा जो इन लोगों ने अपने अंदर कायम रखा है, इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। सब खूब तरक्की करें, सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। गांव की धरती पे खेलना बहुत बड़ी बड़प्पन है। अगर गांव के बच्चे नेशनल लेवल पे जाते हैं तो मैं उन्हें शुभकामना देती। पहले के जहानाबाद में ना खेल थे ना खिलाड़ी था, और आज के जहानाबाद जो कल जहानाबाद था वो आज नहीं है, और आज जो जहानाबाद है हमारे बच्चे आगे बढ़ें और खेल के मैदान में घर की धरती से खेलें और बाहर जाके गर्व से कहें कि मैं जहानाबाद का हूँ, हिंदुस्तान में खेल रहा हूँ।